गुजरात सरकार द्वारा वर्ष 2022-23 में बजेट में गौमाता पोषण योजना अंतर्गत रुपया 500 करोड़ की जोगवाई करी थी। तेमा गुजरात की तमाम रजिस्टर गौशाला पांजरापोळ में आश्रित गौवंश सहित पशुओं निभाव माटे आ योजना की जाहरात कर पछी सरकार तरफ थी योजना अमल करवा माटे संचालकों वारंवार रजूआत करवा छता सरकारे कोई कार्यवाही न करता आज बाबर हरिधाम गौशाला खाते गुजरात भरनी तमाम गौशाला पांजरापोळना संचालकों गौमाताना अधिकार माटे विशाळ सम्मेलन योजवामां आव्युं हतुं। आ सम्मेलन में सरकार सामे लड़त माटे रणनीति की जाहरात करवामां आवी हती जेमां गुजरातना गौभक्तों संचालकों विविध संगठनों प्रतिनिधिओ ने सरकार ने वारंवार रजूआत करी परिणाम न मळता आंदोलन की शुरुआत करी तेम छतां सरकारना पेटमांथी पाणी न हलता संचालकों में भारे रोष जोवा मळ्यो हतो। आ सम्मेलन में 5000 करता वधारे गौभक्तों अने संचालकों उपस्थित रह्या हता अने पोतानी वेदना ठालवी हती। हवे गौभक्तो संचालकों द्वारा गुजरात में उग्र आंदोलन करवानो निर्णय लेवामां आव्यो छे। जो सरकार 7 दिवस में निर्णय नहीं ले तो गुजरात की 1700 पण वधु गौशाला तेमज पांजरापोळनी चावीओ सरकार ने सौंपवामां आवशे तेमज गांधीनगर खाते उपवास आंदोलन करवामां आवशे तेमज चूंटणी बहिष्कार करवामां आवशे तेवुं उपस्थित साधु संतो तेमज गौशाला पांजरापोळना संचालकों तेमज गौ रक्षकोए निर्णय लीधो हतो अने पोतानी वेदना ठालवी हती। सरकार के पास जो हमने मांग रखी थी और सरकार ने बिना मांगे 500 करोड़ रुपया की जो व्यवस्था गौ माता के लिए करने की जो व्यवस्था की है उनमें आज तक कुछ भी व्यवस्था नहीं हुई है। तो जल्द से जल्द सरकार ये निर्णय ले ले और जल्दी से जल्द गौ माता की सेवा के लिए अनुदान दे दे ऐसा सभी संत साधु महात्माओं ने निर्णय किया है। अगर ये नहीं होगा तो हम इलेक्शन का भी बहिष्कार करने वाले हैं ऐसा निर्णय आ चुका है। और दूसरी बात सबसे ज्यादा ये भी बात मैं कर रहा हूँ सभी हिंदू सनातन धर्मियों को सभी वीरवर क्षत्रियों को सभी गौ भक्तों को कह रहा हूँ कि लंपी वायरस के हिसाब से ये गौ माता की जो वेदना है इससे ज्यादा वेदना बुचड़खाना में कतलखाना में भी चल रही है। तो जल्द से जल्द कतलखाना भी बंद हो जाने चाहिए गौ माता की कतलेआम भी बंद हो जानी चाहिए ऐसा हम सब संत साधु निर्णय ले रहे हैं और निर्णय लिया है। और भाभर के यहाँ जो जबरदस्त साधु संतों के द्वारा तो निर्णय लिया है हम सभी संत साधु महात्मा हमारे हजारों भक्त सेवकों के साथ साथ में है कि अगर गौ माता की सेवा सरकार नहीं करेगी और ये निर्णय का स्वीकार नहीं करेगी तो हम चुटनी का बहिष्कार करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय जय गौ माता जय गौ माता जय गौ माता। आज जारे समग्र गुजरात में कच्छ सौराष्ट्र में बदा साधु सतो पांजरापोळ गौ सेवा ने बधाए पाड़को आज बाबर मध्य भेगा थे तो ये वेदना छेल्ला 6 महीना थी वेदना रहे थी वेदना उकाड़ो ठलावा वेदना ठलावा थी ने बाबर गौशाला वालों साधु सतो एवं नक्की करूँ कि आप कहीं ने कहीं निर्णय लीए तो निर्णय लेवा थी ने आज बाबर गौशाला मध्य भेगा थे तो विशाल संख्या में आप जो हे आप फोटा पर जहाँ से घना बदा सतो था सतो पर एक भरचक मंच सतो एक एवं निर्णय करूँ कि आना दिवसों में जे 500 करोड़ की सरकार से योजना जाहिर करी है ये योजना अमल में नहीं मुकाय 7 दिवस में तो आना दिवसों में ये लोग बदा जे पांजरापोळ गौशाला चावीओ है चावीओ सरकार से सौंपी देते त्यार पछी गांधीनगर में उपवास पर करने नक्की करेल ये लोग कदाच आना दिवसों में जे अपनी विधानसभा चूंटनी आई है यून बहिष्कार करने मन सतो गौशाला गौशाला बंधा लीधो है जय गो माता जय गोपाल। सुनाम बाबू मारू नाम सत्यदान सप्तन मन श्री त्रिकम दास कच्छ अंजार।